नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कर्ता और क्रिया के मध्य संबंध की जानकारी प्राप्त की थी कि कर्ता जैसा होगा वैसी ही क्रिया होगी, कर्ता जिस पुरुष तथा वचन में होगा क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन में होगी। आज उस कर्ता और क्रिया से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और क्रिया जिस पुरुष तथा वचन में होती है तो कर्ता भी उसी पुरुष तथा वचन में होता है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में जो विभक्तियां होती हैं उनका उन कर्ता और क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, सभी विभक्तियां देखते हैं। पहले कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पठति से तव अहम्। हम देखेंगे पठति प्रथम पुरुष एकवचन है, तो इसमें प्रथम पुरुष एकवचन यहां कौन सा है? तो प्रथम पुरुष एकवचन है से, तो इसका आंसर होगा यहां पर से आंसर होगा। नेक्स्ट पठामी उत्तम पुरुष एक वचन है, पठामी पठावे पठामी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा अहम आवाम वयम, तीन कर्ता होते हैं उत्तम पुरुष के, तो एक वचन का कर्ता होगा अहम, तो इसका आंसर होगा अहम, अहम आंसर होगा, अहम पठामी में पढ़ता हूं। पटसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होता है? त्वम, और मध्यम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं त्वम युवाम युयम, तो एक वचन का कर्ता हुआ त्वम, तो यहां पर आंसर होगा हमारा त्वम। नेक्स्ट है पठता है, पठसी पठता है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता हम लगाएंगे, ते प्रथम पुरुष है ताभी प्रथम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता होगा युवाम, तो यहां पर आंसर होगा युवाम। नेक्स्ट है पठावे उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, पठामी पठावे उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता हम यूज करेंगे युवा मध्यम पुरुष है, तव प्रथम पुरुष है, तो आवा अहम आवा उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता हुआ आवा, तो आवाम पठावे हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पठते है, पठते प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, पठती पठते है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता होगा यहां पर, ये प्रथम पुरुष एकवचन का करता है, प्रथम पुरुष एकवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तव से तव, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता हम लगाएंगे यहां पर तव। नेक्स्ट दोस्तों पठामे है, पठामी पठावे पठामे, ये पठामे उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो यहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों देखिए अहम एकवचन आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो यहां पर हम लिखेंगे वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट दोस्तों पठत, पठसी पठता है पठत, तो पठत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे हम त्वम युवाम युयम, तो युयम हो गया यहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो देखिए दोस्तों यहां पर युयम ये वयम। पठंती, पठंती यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा? यूयम मध्यम पुरुष है, ता ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना है तो हम लिखेंगे ता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पठते, पठते प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, पठते है प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो हमें प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिखना होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता होगा सीता गीता चे, इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों ये समझ गए होंगे, और मान लीजिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा कर्ता के विषय में, तो उत्तम पुरुष के विषय में पढ़ा हमने, मध्यम पुरुष के विषय में पढ़ा और प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ा, मान लीजिए यहां ऑप्शन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम यहां पर क्या लिखें? तो देखिए दोस्तों ये देखते हैं दोबारा से,
कि यहां अगर ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है तो हम यहां पर क्या लिखें, तो देखिए दोस्तों आंसर रफ कर दिए हैं और अब यहां पर क्या लिखें हम, देखिए दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उत्तम अहम आवाम और बड़े, ये पढ़ा था, मध्यम त्वम युवाम यूयम। अब देखते हैं दोस्तों ये बताया था मैंने कि उत्तम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, मध्यम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, यहां ऑप्शन में कुछ नहीं है केवल क्रिया दी हुई है, तो पठती यहां पर पठती लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, हमें यहां पर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, मन से हमें यहां पर कर्ता लिखना है तो कर्ता क्या लिखें, कोई भी प्रथम पुरुष एक वचन आप कर्ता लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे मोहन लिख सकते हो आप, यहां पर सीता लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो, या सर्वनाम शब्द लिख सकते हो, से सा लिख सकते हो, मोहन पढ़ता है या सीता पढ़ती है, या से मीन्स वह पढ़ता है या सा पढ़ती है, कुछ भी लिख सकते हैं प्रथम पुरुष एक वचन। इनके अलावा क्योंकि उत्तम पुरुष के तीन शब्द होते हैं, मध्यम पुरुष के तीन शब्द होते हैं, इनके अलावा प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता कोई भी नाम लिख सकते हैं जो एक वचन से एक वचन को संबोधित करता है, और कोई भी सर्वनाम लिख सकते हैं जो एक वचन का हो, तो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठामी, अब पठामी को देखना है कि कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष एक सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा, हमारा बताया था मैंने उत्तम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं अहम आवाम वयम, तो अहम एक वचन होता है तो हम यहां पर लिख देंगे अहम, अहम पठान। नेक्स्ट है पटसी, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा, तो हम यह हमें याद रहना चाहिए फिक्स रहते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता निश्चित होते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं, तो ये हमें याद रख रहे, और इनके अलावा जो भी कर्ता है वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, तो ये एक्सरसाइज करने से हमें ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पठते, यहां पर पठते मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, पठसी पठ सॉरी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, पठसी पठते, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिखेंगे हम क्या होगा, तो हम युवाम होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम युवाम, युवाम पठते। नेक्स्ट है पठावे, पठामी पठावे, तो पठावे यहां पर उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता अहम आवाम, तो यहां पर हम आवाम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब पठते है ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, पठती पठते है, तो यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता हम लिखेंगे कैसे, जैसे राम है सीता चय ये लिख सकते हैं, जैसे से तव तव लिख सकते हैं, सा ते लिख सकते हैं, अयम इमो इमो लिख सकते हैं, इयम इमे इमे लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब जो द्विवचन हो प्रथम पुरुष उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, तो वहां पर हमारा ये जो सेंटेंस है वो सही होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं तव या इमो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तव ये दोनों पढ़ते हैं, इमो ये दोनों पढ़ते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। पठामे है, पठामे उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता होगा, यहां पर तो निश्चित है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की जो क्रियाएं होती हैं उनके कर्ता निश्चित है, उनकी जगह तो वही आएंगे, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं आ सकता है, तो दोस्तों देखिए पठामे उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे वयम, तो यहां पर हम लिखेंगे वयम, वयम पठामे। नेक्स्ट है पठत, पठसी पठते पठत, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे, तो हम एक वचन युवाम द्विवचन और यूयम
बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे यूयम। इस प्रकार से पठंती पढ़ती पढ़ते पठंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता हम लिखेंगे, क्या लिखें, सर्वनाम शब्द भी लिख सकते हैं, संज्ञा शब्द भी लिख सकते हैं। सर्वनाम शब्दों में जैसे से तव ते लिख सकते हैं, ते बहुवचन है, सा ते ता लिख सकते हैं बहुवचन है, या अयम इमो इमे इमे लिख सकते हैं, इयम इमे इमा इमा लिख सकते हैं, है? बालिका बालिके बालिका हा बालिका लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, बालिका बहुवचन लिख दीजिए बालिका, ये लो राइट आंसर, बालिका पठंती बालिकाएं पढ़ रही है। नेक्स्ट है पठत है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, पठती पठते है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कोई भी कर्ता लिख सकते हैं आप, राम है, सीता से पठते, राम और सीता पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि यहां पर ये मैं लगा रखा है, यहां पर ये अनुस्वार लगा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि मान लीजिए यहां पर व्यंजन है, समझ गए दोस्तों, और यहां पर ये मैं है, तो यहां पर जो व्यंजन है, व्यंजन होने पर यहां पर मैं के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, अनुस्वार। और यदि मैं के आगे कोई स्वर है तो ये मैं का मैं ही लिखा जाता है, हलंत युक्त में इसकी जगह अनुस्वार नहीं लिखा जाता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, यदि हलंत मैं के आगे व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा, जैसे यहां पर अनुस्वार लगाया है, और हलंत मैं के आगे कोई स्वर है तो अनुस्वार नहीं होगा, एज इट इज हलंत युक्त में लिखा जाएगा। तो दोस्तों दूसरी तरह से हमने सीखा, और केवल लट लकार की धातु, इसी प्रकार से किसी भी लकार की जो धातुएं होती हैं उनका संबंध, जैसे लट लकार के साथ में इन्हें कर्ताओं का संबंध हमने सीखा समझा, उसी प्रकार किसी भी लकार की चाहे धातु हो उस लकार में भी कर्ता इसी प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए ये यहां से क्रियाएं रब करता केवल लट लकार के आधार पर ही जानते हैं, सबसे पहले ये क्रियाएं रफ कर दी हैं मैंने। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर पूर्ण विराम सबके आगे क्वेश्चन लिख दिया गया कि लट लकार की धातुओं का प्रयोग करें, धातुओं का प्रयोग करें। अब दोस्तों हमें लट लकार पट धातु हमें याद होनी चाहिए, तो दोस्तों लिख देता हूं एक बार में, पठती शॉर्ट में पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठाम। तो दोस्तों ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, एकवचन द्विवचन और बहुवचन। दोस्तों जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं वो भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं जिससे आसानी से संस्कृत समझ में आए, यदि आप जुड़े रहते हैं तो समझ में आ ही जाती है। तो दोस्तों देखिए ये पठ धातु लट लकार की मैंने पूरे रूप लिख दिए हैं। अब हमें देखना है कि जिस पुरुष तथा वचन में हमारा कर्ता है उसी पुरुष तथा वचन में हम क्रिया लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए अहम अहम यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी पठामी, हमें याद होगी तो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, पठामी लिख देंगे। तो हम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, पटसी, तो हम लिख देंगे पटसी। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी पठते, तो पठते लिखेंगे। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, देखिए आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे हम पठावे,
और तव इमौ, ये दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रियाएं। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता, सॉरी, ये दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे पठते हैं, और वयम ये उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे हम पठामे। नेक्स्ट है यूयम, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे हम पठत। नेक्स्ट है बालिका, बालिका बालिके बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, बालिका बालिके बालिका। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे पठंती। नेक्स्ट रामे सीता चे, रामे सीता चे, तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। तो दो है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी पठते, लिख देंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठते। एक छूट गया मोहन, तो मोहन है प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया होगी पठती। दोस्तों इस प्रकार से हम क्रियाएं लिखते हैं और इसी प्रकार से हम कर्ता लिखते हैं। चाहे यहां पर किसी भी लकार के विषय में हमें पूछा जाए तो हम इन कर्ताओं के आधार पर लकार के पुरुष तथा वचन लिखते हैं। जिस पुरुष तथा वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग करते हैं, और जिस पुरुष तथा वचन में क्रिया होती है उसी पुरुष तथा वचन में हम कर्ता का प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी लकार हो उनमें कर्ता इसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात है कर्ता तथा क्रिया। देखिए एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, जिससे संस्कृत बनाते समय हमारी गलती न हो। ये कर्ता है मान लीजिए अहम, और यहां पर क्रिया है पठामि। इसके बीच में चाहे द्वितीय विभक्ति आए, तृतीय आए, चतुर्थी आए, पंचमी आए, षष्ठी आए, सप्तमी आए, कोई भी विभक्ति आए कर्ता और क्रिया के बीच में, तो इस कर्ता और क्रिया पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हम स्पष्ट करते जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी विभक्ति आए इन पर कर्ता और क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एज इट इज रहेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम, कर्ता कारक पढ़ रहे थे, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो दोस्तों कर्ता कारक की हमें बात कर रहे थे, तो जैसे इंग्लिश में होता है लिंकिंग वर्ब्स, होने के अर्थ में जो वाक्य होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों व्यक्ति नाम तथा वस्तु नाम, व्यक्ति नाम तथा वस्तु नाम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे वह अध्यापक है, वह अध्यापक है। तो दोस्तों यहां पर क्या है, अध्यापक है, वह अध्यापक है, तो होने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये व्यक्ति का नाम है, तो ये जो सर्वनाम शब्द आया है ये किसके लिए आया है, अध्यापक के लिए आया है। तो क्या लिखेंगे, सह अध्यापक है, और इस अध्यापक के अनुसार ही हम क्रिया लिखेंगे। अस धातु लक्षता प्रथम पुरुष एकवचन अस्ति, तो यहां पर ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया, ये सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा शब्द है, वह अध्यापक है, से अध्यापक है, अस्ति। नेक्स्ट वह अध्यापिका है, तो यहां पर वह और अध्यापिका, अध्यापिका के लिए वह सर्वनाम शब्द आया है, तो इसलिए हम इसके अनुसार क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। तो यहां पर वह के स्थान पर लिखेंगे सा अध्यापिका अस्ति, सा अध्यापिका अस्ति, वह अध्यापिका है। इस प्रकार से जैसे यह फूल है
यह है फूल है, तो क्या लिखेंगे यह की जगह? फूल नपुंसकलिंग होता है, इसलिए हम नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द लिखेंगे इदम पुष्पम अस्ति, इदम पुष्पम अस्ति, यह फूल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे फल हैं, वे फल हैं, तो फल है से स्पष्ट हो रहा है कि फल बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे? फल नपुंसकलिंग है तो इसको भी नपुंसकलिंग में लिखेंगे तत् ते तानि, तो क्या लिखेंगे? तानि फलानि संति, क्यों? क्योंकि वे फल हैं तो फल नपुंसकलिंग होता है फलम फले फलानी, तो इसके अनुसार ही हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे। सर्वनाम शब्द है तत्सब तत्तेतानी, तो ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में होगा। अब ये जो लिखा हुआ है कि वस्तु का नाम, ये बहुवचन में है तो वे फल हैं, तो हैं के अर्थ में प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हमारे सामने प्रश्न है कि प्रथम पुरुष बहुवचन फलानी प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो और सर्वनाम शब्द हो, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, इनके अलावा कुछ भी वस्तुएं हो, किसी का भी नाम हो, वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए फलानी प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर इस प्रथम पुरुष बहुवचन के अनुसार हमने क्रिया लिखी प्रथम पुरुष बहुवचन। कैसे? देखिए, अस्ति एक वचन है और इस्ते द्विवचन है और संति बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए दोस्तों, तानी फलानी संति, वे फल है। नेक्स्ट, वह चिकित्सक है, चिकित्सक है, तो दोस्तों यहां पर चिकित्सक संज्ञा है, यहां पर यह सर्वनाम है, तो ये नाम आ गया। व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम होने के अर्थ में यदि कोई वाक्य होते हैं तो उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति मीन्स कर्ता कारक, और उसी के प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही हमेशा क्रिया आती है, यह हमें ध्यान रखना है। हमेशा जो क्रिया आती है वो कर्ता के अनुसार आती है और कर्ता प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति और कर्ता एक ही बात है, तो दोस्तों हमेशा जो क्रिया आती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता और प्रथमा विभक्ति अलग अलग नहीं होते हैं, कर्ता को ही प्रथमा विभक्ति बोलते हैं और प्रथमा विभक्ति को ही कर्ता बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, वह चिकित्सक है, चिकित्सक पुल्लिंग है, इसलिए वह भी पुल्लिंग लिखेंगे स है, फिर चिकित्सक है, स है चिकित्सक है अस्ति, इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अस्ति प्रथम पुरुष एक वचन है और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द है ये चिकित्सक के लिए आया, चिकित्सक के लिए आया। इस प्रकार से व्यक्ति नाम में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है होने के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो फल हैं, ये दो फल हैं, तो दो फल द्विवचन और क्रिया भी द्विवचन की होगी और ये भी द्विवचन का होगा। ये की संस्कृत क्या होती है? इदम शब्द मूल होता है, इदम शब्द तीनों लिंगों में, इदम मीन्स यह है, तो यहां पर फल नपुंसकलिंग है, इसलिए ये जो हिंदी है इसकी संस्कृत नपुंसकलिंग द्विवचन में क्या होगी, क्योंकि दो फल हैं तो ये भी द्विवचन में होगा, तो इदम एक वचन इमे द्विवचन, तो यहां पर लिखेंगे इमे,
ठीक है, इमें नपुंसकलिंग द्विवचन में लिख दिया। अब जो दो है इसकी संख्या भी नपुंसकलिंग द्विवचन में लिखेंगे द्वि, और ये फल है ये भी नपुंसकलिंग द्विवचन में लिखेंगे फलम फले, फलानी होता है तो हम द्विवचन में लिखेंगे फलम फले, तो यहां पर फले लिख दिया द्विवचन। अब हम देखेंगे कि पुरुष कौन सा है, आपको पुरुष स्पष्ट कर चुका, कई बार स्पष्ट कर चुका कि अहम आवाम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं या किसी वस्तु का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, सब प्रथम पुरुष होते हैं। तो दोस्तों यहां पर फले द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी स्तः, तो यहां पर लिखेंगे स्तः। इमे द्वे फले स्तः, ये दो फल हैं, तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा सही हो गया। वे दो डॉक्टर हैं, देखिए दोस्तों वे दो डॉक्टर हैं, वे दो डॉक्टर हैं। तो अब दोस्तों यहां पर देखिए डॉक्टर कितने हैं, दो हैं, और हमेशा पहले यदि हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के बारे में नहीं बताया जाता है तो हम उसको क्या मानेंगे, डॉक्टर को, डॉक्टर कॉमन है, जैसे डॉक्टर फीमेल भी होता है और मेल भी, तो फीमेल और मेल दोनों को डॉक्टर बोलते हैं। तो यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया है फीमेल मेल को, यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया है तो हम यहां पर मेल मानेंगे। तो दोस्तों कैसे, वे दो डॉक्टर हैं, वे दो डॉक्टर हैं, तो वे पुलिंग मानेंगे तो से तव, तो तव लिखेंगे, और दो भी पुलिंग में लिखेंगे, दो जो संख्यावाचक शब्द है इसको भी पुलिंग में लिखेंगे द्वौ। अब डॉक्टर है उसको संस्कृत में बोलते हैं चिकित्सक, डॉक्टर को संस्कृत में बोलते हैं चिकित्सक, जैसे राम है रामो रामा, तो चिकित्सक है चिकित्सकौ, तो द्विवचन में ये लिखेंगे चिकित्सकौ, चिकित्सक। अब देखिए दोस्तों वे दो और डॉक्टर चिकित्सक, यहां पर द्विवचन है, ये द्विवचन है, ये द्विवचन है, तो दोस्तों यहां पर संज्ञा द्विवचन में है, और यदि हम ये सर्वनाम एकवचन में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, यदि संख्यावाचक विशेषण है ये यदि हम एकवचन में लिखे तो गलत हो जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, जिस लिंग और वचन में यह है उसी लिंग और वचन में हम ये लिखेंगे तो हमारा वाक्य सही होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए तव दौ चिकित्सक, अब द्विवचन है प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे इस तरह, इस प्रकार से लिखेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, क्या लिखेंगे इस तरह, इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल और देखिए, यहां पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए दोस्तों व्यक्ति नाम या वस्तु नाम में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है होने के अर्थ में, होने के अर्थ में, इंग्लिश में इसको लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब फल हैं, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तीन फल हैं, ये चार फल हैं, तीन वाक्य हैं, तीन वाक्यों को हम स्पष्ट करेंगे। पहला वाक्य, ये सब फल हैं, तो दोस्तों संज्ञा यहां पर सब और ये सर्वनाम, और फल नपुंसकलिंग है। अब हम देखेंगे कि फल एकवचन में, द्विवचन, बहुवचन में, तो सबसे पहले तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये सब, सब का मतलब बहुवचन, फल है इस क्रिया से स्पष्ट हो गया कि बहुवचन, तो फल बहुवचन है, तो फल की संस्कृत क्या होगी बहुवचन में, फलम फले फलानी, तो हम लिखेंगे फलानी, फलानी लिख दिया। अब सब, सब का मूल शब्द क्या होता है सर्व,
ये नपुंसक लिंग कैसे चलता है, सर्वम सर्वे सर्वाणि, तो यहां पर पहले लिखेंगे हम सर्वाणि, सर्वाणि लिख दिया हमने। अब आगे क्या है, ये का मूल शब्द क्या होता है, इदम, इदम मीन्स यह है, तो ये भी हम बहुवचन में लिखेंगे, इदम इमे इमानी, तो यहां पर लिखेंगे इमान। तो दोस्तों संज्ञा के अनुसार ये आया, फलानी संज्ञा है, इसके अनुसार सर्वाणी इमानी, इमानी सर्वाणी फलानी। अब ये पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, क्योंकि नहीं तो ये अहम आवामयम है कोई, न त्वम युवाम युवियम है, तो इनके अलावा जो भी होता है प्रथम पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा है, बहुवचन है, कैसे, फलम फले फलान, इस प्रकार से। तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे संति, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे संति, क्योंकि एकवचन द्विवचन बहुवचन, बहुवचन की क्रिया क्या है, संति, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा वाक्य सही होगा, इमानी सर्वाणी फलानी संति। तो दोस्तों मान लीजिए एग्जाम में हमारे, हमें यदि इसको रिक्त स्थान दे दिया जाता है और यहां पर लिख दिया जाता है सर्व, तो हम क्या लिखें, हमें इसके अनुसार लिखना है फलानी के अनुसार, तो क्या लिखेंगे, सर्वाणी। और मान लीजिए ये भी ब्लैंक दे दिया जाता है क्वेश्चन नंबर वन, और यहां पर इदम लिख दिया जाए और यहां पर सर्व, तो क्या करेंगे हम, इस फलानी के अनुसार ये लिख देंगे, फलानी नपुंसक लिंग बहुवचन है तो इन दोनों को नपुंसक लिंग बहुवचन में लिख देंगे, कैसे, इमानी सर्वाणी, इस प्रकार से लिख देंगे, इमानी सर्वाणी फलानी संति। और मान लीजिए दोस्तों ये भी नहीं हो और यहां पर ये ब्लैंक दे दिया जाए और यहां पर लिख दिया जाए फल, तो क्या लिखेंगे, तो इनके अनुसार हम लिखेंगे इमानी सर्वाणी, फिर फल इनके अनुसार लिखेंगे, नपुंसकलिंग बहुवचन है तो फल भी नपुंसकलिंग बहुवचन लिखेंगे, फलानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको यदि रिक्त स्थान दे दिया जाए और यहां पर अस धातु लिख दी हमने, तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है और लकार लिख दिया यहां पर, लट, लट का मतलब वर्तमान काल, तो प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार की क्रिया लिखेंगे, अस धातु, तो अस्ति स्थे संति, इस प्रकार से अस्ति स्थे संति, संति आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों कोई भी रिक्त स्थान दिया जा सकता है, हमें यदि समझ में आ गया तो हमारा आंसर एकदम राइट होगा, समझने पर, रटने पर तो दोस्तों इम्पॉसिबल है, रटने पर तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रटने पर हम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, नंबर टू, हमेशा ये ध्यान रखना है कि संख्या के अनुसार विशेषण तथा सर्वनाम आते हैं, सर्वनाम और विशेषण के अनुसार संज्ञा होती है और कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया होती है, तो ये हमें एकदम पक्का याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, वे तीन फल हैं, वे तीन फल हैं, तो तीन से स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुवचन है तो, और फल नपुंसकलिंग है तो इसलिए पहले से ही लिख दिया हम, वे का मूल शब्द होता है तद, तद मीन्स वह, फल नपुंसकलिंग होता है तो वे की संस्कृत भी हम नपुंसकलिंग में ही यूज करेंगे, तत् ते तानी, तानी लिखेंगे, तानी। नेक्स्ट कितने फल है, तीन, जो तीन शब्द ये भी हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे, त्रीणी, तीन के लिए नपुंसकलिंग शब्द होता है त्रीणी। अब नेक्स्ट फल बहुवचन है तो फलानी, और फलानी प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का लिखेंगे संति, इस प्रकार से लिखेंगे, तो तानी त्रीणी फलानी संति राइट आंसर होगा हमारा। समझ गए होंगे आप कि यहां पर फलानी के अकॉर्डिंग त्रीणी आया और तानी आया, और ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चार फल है तो चार से स्पष्ट हो गया है कि बहुवचन है और फल बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन होगा तो ये की संस्कृत होती इदम, इदम मीन्स यह है, तो इदम एक वचन, इमे द्विवचन और इमानी बहुवचन, तो लिखेंगे बहुवचन में हम इमानी। अब चार को नपुंसकलिंग में लिखेंगे चत्वारी फलानी और संति,
क्योंकि फलानी बहुवचन है नपुंसकलिंग, तो चतुर शब्द भी नपुंसकलिंग बहुवचन में लिखेंगे और इदम शब्द भी नपुंसकलिंग बहुवचन में लिखेंगे, और प्रथम पुरुष बहुवचन का बहुवचन है ये फलानी, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम होने के अर्थ में वाक्य बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रथम पुरुष से संबंधित हमने सीख लिया, अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों ये मध्यम पुरुष की क्रिया लिख रहा हूं, असि स्थ स्थ, ये मध्यम पुरुष की क्रिया, ये एकवचन और ये द्विवचन और ये बहुवचन, और ये उत्तम पुरुष की क्रिया क्या, अस्मि स्वे स्मे, उत्तम पुरुष की क्रिया, ये उत्तम पुरुष की क्रिया। अब दोस्तों मैं छात्र हूं, मैं छात्र हूं, तो हमेशा जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जो उत्तम पुरुष है, तो इस उत्तम पुरुष के अनुसार हम क्रिया लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अहम छात्र है अस्मि, मैं छात्र हूं। यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसके अनुसार हम क्रिया लिखेंगे। हम दोनों छात्र हैं तो क्या लिखेंगे, देखो अस्मि आया उत्तम पुरुष एकवचन, हम दोनों छात्र हैं तो आवाम छात्रौ द्विवचन स्व, किसके अनुसार, इसके अनुसार। नेक्स्ट हम सब छात्र हैं तो वयम छात्रः इसमें, किसके अनुसार, इसके अनुसार ये क्रिया आएगी। मैंने बताया आपको कि हमेशा उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो निश्चित होते हैं, और उत्तम पुरुष की क्रियाओं के साथ हमेशा ये ही आएंगे, ये ही आएंगे, इनके अलावा दूसरी कर्ता नहीं आएंगे, ये ही कर्ता आएंगे, इनके साथ ये आएगा, स्पष्ट है ये, कहीं कुछ गलत होने की चांसेस जी नहीं है। अब जैसे तीन सेंटेंस बनाए, इसी प्रकार से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे तुम छात्र हो तो त्वम छात्र है असि, असि प्रथम मध्यम पुरुष एकवचन है त्वम, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखेंगे त्वम असि। इसी प्रकार से तुम दोनों छात्र हो, तुम दोनों छात्र हो तो युवाम छात्रौ स्थ, देखिए स्थ और युवा, तुम दोनों, तुम सब छात्र हो तो यूयम छात्राः स्थ, थोड़ा ये इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो दोस्तों मध्यम पुरुष एकवचन का करता है तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया लगाएंगे, और मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, और मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। देख सकते हैं हम, त्वम असि तुम हो, युवाम स्थ तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो, अहम अस्मि मैं हूं, आवाम स्व है हम दोनों हैं, वयम स्मे हम सब हैं। तो इस प्रकार से हम होने के अर्थ में वाक्य बनाते हैं और उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, अब हमने कर्ता और क्रिया के बारे में जाना, अब देखेंगे हम कर्म, और कर्म में विभक्ति होती है द्वितीय, कर्म में विभक्ति होती है द्वितीय, कैसे, कर्ता ने कर्म को, दूसरी लाइन, दूसरी लाइन मीन्स द्वितीय विभक्ति। अब कर्म किसे कहते हैं, वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, वाक्य में कर्ता जिसे बहुत अधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे बालक पाठ पढ़ता है, बालक पाठ पढ़ता है, तो यहां पर
जो ये कर्ता और क्रिया तो पहले के अनुसार निश्चित है, कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, क्रिया के अनुसार कर्ता। अब बीच में आ गया क्या, पाठ। अब बालक पाठ पढ़ता है, इस वाक्य में बालक क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, पाठ को पसंद करता है, तो ये क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, कैसे आएगी द्वितीय विभक्ति, तो दोस्तों पाठ कितने हैं, एक। बालक पाठ पढ़ता है, एक पाठ पढ़ रहा है, तो यहां पर एक पाठ पढ़ रहा है तो एक वचन ही तो आएगा। कैसे आएगा, देखिए पाठ है, पाठौ, पाठा, पाठम, पाठौ, पाठान, ये प्रथमा द्वितीया। द्वितीया मीन्स कर्म, द्वितीया मीन्स कर्म, तो कर्म कारक है पाठ, एक पाठ तो कर्म है ना, कर्म में हम ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, एक पाठ पढ़ रहा है तो एक वचन ही प्रयोग करेंगे, पाठम। कैसे, बालक प्रथम पुरुष एक वचन है तो लिखेंगे बालक है। नेक्स्ट पाठ कितने पढ़ रहा है, एक, और इसमें कर्म कारक का प्रयोग करेंगे द्वितीय विभक्ति का तो लिखेंगे पाठम। और प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठ धातु, पठ धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगी, पठती, तो यहां पर लिखेंगे हम पठती, बालक पाठम पठती, बालक पाठ पढ़ता है, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया है, हमारी पहले स्पष्ट हो चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, ये पाठम लिखा, इस पाठम का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं गांव जाता हूं, गांव जाता, यहां देखिए मैं गांव जाता हूं, तो जाने वाला कौन है, मैं, कहां जा रहा है, गांव, तो इस वाक्य में मैं क्या पसंद करता हूं, गांव जाना पसंद करता हूं। और कर्ता से क्या का प्रश्न किया जाता है, किसको प्रश्न किया जाता है, तो वहां पर कहां को प्रश्न किया जाता है, तो वहां पर कर्म कारक निकल करके बाहर आता है। तो दोस्तों देखिए, मैं गांव जाता हूं, तो क्वेश्चन कर लिया जाएगी तुम कहां जाते हो, तो यहां पर ये कर्म है, कर्म है। तो कहने का मतलब एक बात का ध्यान और रखना कि जो गम धातु होती है उसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये विभक्तियां जो उपपद विभक्तियां हैं, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कारक पूरे होने के बाद में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं गांव जाता हूं तो लिखेंगे हम अहम, गांव, एक गांव जा रहे हैं, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे पाठक वैसे ही ग्रामम, ग्रामम। अब उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे क्या, गच्छामि। इसी प्रकार से सभी लकार हम यूज करते हैं, अहम ग्रामम गच्छामि। इस प्रकार से जो कर्ता और क्रिया और कर्म, अब यहां पर इस कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है और हमें कर्म देखना है कि कौन से वचन में है, उसी वचन में हमें कर्म लिखना है, इसको और इसको चेंज नहीं करना है, हमें कर्ता के अनुसार क्रिया लिखनी, यह हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आया है कर्म, तो कर्म का वचन देखना है कि कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसी के अनुसार हमें कर्म लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लड़कियां फल खाती हैं। अब दोस्तों यहां पर ये वाक्य देखिए, फल खाने वाली कौन है, लड़कियां हैं, लड़कियां क्या करती हैं, फल खाती हैं, तो इस वाक्य में लड़कियां क्या पसंद करती हैं, फल पसंद करती हैं, तो ये फल क्या हुआ, कर्म हुआ। खाने वाली कौन, लड़कियां, तो ये कर्ता हुआ और ये क्रिया,
अब दोस्तों देखिए, लड़कियां फल खाती हैं तो लड़कियों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बालिका। अब लड़कियां वचन देखिए कौन सा वचन है? बहुवचन। तो बालिका बालिके है, बालिका। तो बालिका लिखेंगे हम बहुवचन में बालिका। लिख दिया। अब फल खाती है, कितने फल खाती है? तो वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि फल खाती है, बहुत सारे फल खाती है। तो फल बहुत सारे का मतलब बहुवचन फलम, फले, फलानी। तो हम लिखेंगे यहां पर फलानी, फलानी। अब बालिका प्रथम पुरुष बहुवचन है, करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम खादती, खादते, खादंती। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो दोस्तों यहां पर कर्ता और क्रिया में अटूट संबंध है, इसमें कर्म का कोई रोल नहीं है। वाक्य में जो कर्ता होता है वो क्रिया के लिए प्रधान होता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है और क्रिया के अनुसार ही कर्ता आता है, यह हमें ध्यान रखना है। यहां पर जो फलानी आया है इसका इनसे रोल तो है, लेकिन इनके वचन का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर एक वचन होता, मान लीजिए तरबूज होता, तो उसको भी हम फलम लिख सकते थे। इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बालिका फलम खादंती, तो ये तो चेंज होती ही नहीं। बालिका फलम खादंती, ये चेंज होते ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा करके देखते हैं। अब बालिकाएं दो फल खाती हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पर? फलम फले। बालिकाएं दो फल खाती हैं तो बालिका हा फले खादंती, बालिकाएं दो फल खाती, तो क्या चेंज हुआ? द्वे, द्वे और लिख दीजिए आप संख्या वचन। तो कर्ता वो का वो है, क्रिया भी वो की वो। और यदि तरबूज के लिए भी उदाहरण दिया आपको, बड़ा फल है तरबूज है, तो वहां पर क्या लिखेंगे? बालिकाएं फल खाती हैं, तो उसके लिए ये लो फलम, बालिका फलम खादंती। तो कहने का मतलब इस कर्म का क्रिया पर कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा क्रिया तो कर्ता के अनुसार आती है और कर्ता क्रिया के अनुसार आता है, ये हमें ध्यान रखना है। और वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक होता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक मीन्स द्वितीय विभक्ति, क्या या किसको का प्रश्न करते हैं तो कर्म कारक निकल करके बाहर आता है, और कर्म कारक में हमें देखना है कि कौन सा वचन है, उसी वचन के अनुसार हमें कर्म को लिखना है। जैसे लोग, लोग गांव जाते हैं, लोग गांव जाते हैं, यह प्रश्न है। तो लोग गांव जाते हैं, मैंने बताया था गम धातु के युग में द्वितीय विभक्ति आती है, गम धातु के युग में द्वितीय विभक्ति आती है। यहां पर लोग बहुत सारे हैं तो लिखेंगे जने है जनऊ जनाहा, जना कहां जाते हैं? गांव, तो यहां पर ग्रामम, जाते हैं गच्छन्ति। गच्छन्ति क्यों आया? क्योंकि जना प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम गम धातु गच्छन्ति, तो जना ग्रामम गच्छन्ति। हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, यहां पर हम उत्तम पुरुष बहुवचन है अहम आवाम वयम, एक पुस्तक पढ़ रहे हैं पुस्तकम, और उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठामे, वयम पुस्तकम पठाम, और हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं तो यहां पर मान लीजिए पुस्तकानि लिख दिया, ये हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो वयम पुस्तकानि पठामे, ये कर्ता और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्म परिवर्तन हो जाए, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्तियों का वर्णन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।